सरकार के एफडीआई के विरोध में संयुक्त रूप से मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। लातेहार जिला के बालूमाथ तेतरिया खाड़ कोलियारी में मंगलवार सुबह से ही राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन RCMS, इटेक तथा इंटेक जैसे कई मजदूर संगठन ने संयुक्त रूप से केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा लाए जा रहे एफडीआई का विरोध करते हुए काम को ठप कर दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कोल इंडिया में 100% एफडीआई, CMPDI को कोल इंडिया से अलग करने, MCL, NCL और SECL जैसे इकाइयों को अलग करने का कोल मजदूर यूनियन संयुक्त रूप से विरोध कर रहा है। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्षता कर रहे संजीव सिन्हा ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हम चरणबद्ध आंदोलन भी करेंगे। क्रम है वो कोल इंडिया में जितने भी तरह के ट्रेड यूनियन चलते हैं, जिसमें राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन, RCMS, एटक, इंटक, C2, सभी संगठनों का जो है यह कार्यक्रम, आज का एक दिवसीय हड़ताल का जो कार्यक्रम है वो संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किया गया है। और इसका मुख्य हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को संदेश भी देना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि सरकार कोल इंडिया में जो 100% FDI करके और निजीकरण करने का जो कुप्रयास कर रहा है, इस हड़ताल के माध्यम से यह संकेत देना चाहते हैं कि कोल मंत्रालय होश में आ जाए और अपने निर्णय को, जो 100% FDI का जो निर्णय है उसको वापस ले, अन्यथा संयुक्त मोर्चा इस अभियान को रोकने नहीं जा रहा है, आगे जा करके यह चरणबद्ध आंदोलन का रूप लेगा। और इसके बाद हमारे बड़े जो भी हमारे वरीय नेतागण हैं उनकी एक बैठक होगी। अगर सरकार निर्णय वापस नहीं लेता है तो पहले साप्ताहिक, और फिर अगर नहीं मानता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी संयुक्त मोर्चा जाने के लिए तैयार है।